भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सियासत का एक बड़ा चेहरा, दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार विधायक चुने गए, 4 बार लोकसभा के सदस्य बने, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा संयुक्त पंजाब के वक्त से सियासत में सक्रिय रहे, संविधान निर्माण समिति के सदस्य भी रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना सियासी करियर पंचायत चुनाव के जरिए शुरू किया। रोहतक लोकसभा सीट से जब उन्होंने लगातार 3 बार चौधरी देवीलाल को हराया तो वे कांग्रेस में एक बड़ा नाम बन गए। संगठन और सत्ता का लंबा अनुभव रखने वाले हुड्डा सियासत के हरफन मौला खिलाड़ी हैं। उनकी कहानी पर एक नज़र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को हुआ। रोहतक के गांव सांघी में जन्मे हुड्डा की आरंभिक शिक्षा गुजरात के सैनिक स्कूल में हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन किया, इसके बाद लॉ की डिग्री भी की। कुछ समय रोहतक में वकालत की, फिर सियासत में आ गए। 1972 से 1977 तक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। 1980 में युवा कांग्रेस हरियाणा के उपाध्यक्ष चुने गए। इस पद पर 1987 तक काम किया। ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे। साल 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को रोहतक सीट से पराजित किया। इसके बाद उनका सियासी कद काफ़ी ऊंचा हो गया। 1996 में फिर से रोहतक लोकसभा सीट से चौधरी देवीलाल को हरा दिया। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। 2001 तक वे इस पद पर रहे। 1998 में लगातार तीसरी बार रोहतक सीट से देवीलाल को हराते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में किलोई से जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। 2004 में भी रोहतक लोकसभा सीट से जीत हासिल करते हुए चौथी बार लोकसभा में पहुंचे। फरवरी 2005 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। हरियाणा के जींद के कंडेला में हुए किसान आंदोलन से लेकर कई तरह के मुद्दों के बीच हुए इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल नजर आ रहा था। नतीजों में भी इसका असर दिखा। कांग्रेस ने 42.46% वोट हासिल करते हुए 67 सीटों पर जीत दर्ज की। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भजन लाल की अगुवाई में कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा को 10.36% वोट जरूर मिले पर वो 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इनेलो 26.77% वोटों के साथ 9 सीटों पर सिमट गई। 10 आजाद विधायक भी चुने गए। सियासी गलियारों में भजन लाल के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं थी। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। खास बात यह है कि 27 फरवरी 2005 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उस समय हुड्डा विधायक भी नहीं थे, वे रोहतक से लोकसभा के सदस्य थे। कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान एक उभरते हुए जाट नेता की तलाश में थी जो हुड्डा पर आकर खत्म हुई। चूंकि साल 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले बंसीलाल अपनी पार्टी हबीपा का विलय कांग्रेस में कर चुके थे, ऐसे में उस समय के सियासी समीकरणों के अनुसार इनेलो ही कांग्रेस के विरोध में खड़ी थी। चूंकि हुड्डा रोहतक सीट से लगातार 3 बार चौधरी देवीलाल को हरा चुके थे, वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ऐसे में हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात से भजन लाल बहुत नाराज भी हुए, पर चुप रहना ही मुनासिब समझा। चूंकि हुड्डा मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन वे विधायक नहीं थे, ऐसे में हुड्डा ने सबसे पहले रोहतक सीट से त्याग पत्र दिया। यहां से उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा और वे सांसद बने। हुड्डा के विधायक बनने के लिए किलोई के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा ने त्याग पत्र दे दिया। ऐसे में जून 2005 में एक साथ किलोई के अलावा तौशाम और हिसार सीट पर उपचुनाव हुए। हिसार और तौशाम में उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि हुड्डा सरकार में मंत्री रहे बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और उद्योगपति व हिसार से विधायक ओम प्रकाश जिंदल का एक विमान हादसे में निधन हो गया था। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। कांग्रेस 67 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े से भी 21 संख्या अधिक थी, ऐसे में सरकार स्थिर थी। राजनीति के चाणक्य भजनलाल स्वयं को पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे थे। चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल की तरह आखिरकार इस लाल ने भी कांग्रेस से किनारा करने का मन बना लिया। 2 दिसंबर 2007 को भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर लिया। भजन खेमे में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके धर्मपाल सिंह मलिक, कुछ पूर्व सांसद व कुछ पूर्व विधायक शामिल हुए।
पर उनके नई पार्टी बनाने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। हुड्डा ने पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। कुल मिलाकर सितंबर 2009 तक हुड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली सफल पारी खेली। अक्टूबर 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस 46 के जादुई आंकड़े से 6 सीटें कम 40 पर रह गई। नई नवेली हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। इंडियन नेशनल लोकदल ने 25.79% वोट लेते हुए 31 सीटों पर जीत हासिल की, पर सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस ही नजर आ रही थी। कांग्रेस के लिए सबसे अधिक उम्मीद की किरण थे 7 आजाद विधायक, पानीपत ग्रामीण से ओम प्रकाश जैन, फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, सिरसा से गोपाल कांडा, गुड़गांव से सुखबीर कटारिया, पुंडरी से सुल्तान सिंह, हथीन से जलेब खान और फरीदाबाद NIT से शिवचरण शर्मा आजाद विधायक चुने गए थे। सिरसा से पहली बार आजाद विधायक बने गोपाल कांडा ने अन्य आजाद विधायकों संग हुड्डा का समन्वय कराया। जिस दिन नतीजे घोषित हुए उस दिन सिरसा के एक व्यस्त बाजार में स्थित कांडा गली में गोपाल कांडा को हाईजेक करने की तैयारी हो रही थी। हुड्डा ने सिरसा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुभाष यादव की अगुवाई में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदलवा दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 7 आजाद विधायकों को चंडीगढ़ लाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जब भजन लाल साल 1982 में बहुमत से दूर रह गए थे तो उन्होंने आजाद विधायकों के जरिए सरकार बनाई थी। 5 आजाद विधायकों को उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। स्थिर सरकार देने और आजाद विधायकों को खुश करने के मकसद से हुड्डा ने भी मंत्री पद बांटे। OP जैन, गोपाल कांडा, सुखबीर कटारिया और शिवचरण शर्मा को मंत्री बनाया गया। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, जलेब खान और सुल्तान सिंह को संसदीय सचिव बना दिया। सरकार को बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक अक्रम खान ने भी समर्थन दिया। इसकी एवज में खान को हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। अपने दूसरे कार्यकाल में हुड्डा ने हरियाणा की तरक्की के लिए काम किए। गाँवों में पक्की गलियां बनवाने, बिजली घरों के निर्माण करने, घर घर में जल पहुंचाने का काम किया। उनके कार्यकाल में गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद जैसे शहरों ने अधिक तरक्की की। साल 2014 में कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बना दिया। कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। हुड्डा को विधायक दल का नेता चुना गया। साल 2020 में बड़ौदा में उपचुनाव हुआ। हुड्डा और शैलजा की अगुवाई में बड़ौदा में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके बाद किसान आंदोलन में भी हुड्डा ने खूब सक्रिय भूमिका निभाई। कुल मिलाकर हुड्डा आज कांग्रेस में एक स्थापित जाट नेता बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।